गुजर गए साल तावी अधूरे निसार सवाल तावी पता है किनार जमंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो। बली ये क्या हरकत थी बेटा, उस बेचारी मासूम बच्चे से तुमने अपना पूरा वार्डरोब धुलवा लिया, जरा तरस नहीं आया तुम्हें उस पर? जरा सा उपटन का दाग ही तो था, इग्नोर कर देते। क्या मतलब, मेरी शिकायत की उसने आपसे? नहीं, वो बेचारी क्या शिकायत करेगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, मैं सारी चालाकियाँ समझती हूँ मैं तुम्हारी। वैसे मैं, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था वो इतनी बड़ी पागल है। हालांकि तुम्हें अंदाजा होना चाहिए था बेटा। तुम्हें वैसे उसको तंग करना अच्छा लगता है या वो तुम्हें अच्छी लगने लगी है? माँ वो बच्चिया, बच्चिया आप यहाँ बैठी हुई है, निर्मीन भाभी आपको पूरे घर में ढूंढ रही है, चले ना। अरे मैं तो भूल ही गई थी, चलो चलो चलो, सॉरी। माँ कैसे बताऊँ आपको, आपके वली को मोहब्बत ने घेर लिया है, पर बताना तो पड़ेगा वली, हिम्मत जोड़ और बोल दे माँ को। परवीन, परवीन, परवीन कहाँ है सब? आप घर की किसी भी गाड़ी में आ जाएंगी, इसीलिए तो वो बड़ी बेगम साहिबा की गाड़ी में चली गई। हाँ उनको तो मैंने ही कहा था। अब आप क्या करेंगी? पता नहीं क्या होगा, आप मैं कैसे जाऊँ? अच्छा चल, आप परेशान नहीं है, वली साहब अभी गए नहीं है, वो यहीं पर, मैं भी उनको कह देती हूँ। किसे जाना है मेरे साथ? वो वली साहब, अनाव्या बीबी को ले जाएं अपने साथ, वो अभी तक नहीं गई। ठीक है, तो सब घर वाले छोड़ के चले गए थे? हाँ वो मैं आपके कपड़े करी थी, मैंने ही अम्मी से कहा कि वो चली जाए, मैं किसी और गाड़ी में आ जाऊंगी, लेकिन वो तो सब चले गए, मुझे क्या पता था। मेरी शिकायतें लगाती हो तुम? नहीं मैंने तो आपकी शिकायत नहीं की। इल्जाम धरती हो मुझ पर? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, आप गुस्सा मत हो। तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक तुम? वो मैं बता तो रही हूँ, आपके कपड़े ही तो करी थी, फिर सब चले गए। ठीक है, मैं गाड़ी में बैठ के तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तैयार होके आ जाओ। जी सुनो। जी कितनी देर लगेगी तुम्हें? बस 20 मिनट में तैयार होके आई। 20 मिनट ज्यादा है, मैं 15 मिनट में आती। I'm not afraid to die.
माँ को शिकायत लगाई है तुमने मेरी? हाँ? नहीं तो? लगाई? नहीं। तुमने उनसे ये बोला है कि मैं तुम्हें बहुत तंग करता हूँ, तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती करता हूँ, और उससे बढ़कर ये कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं हूँ, नफरत करती हूँ तुम मुझसे। नहीं, ये तो झूठ है। वो तो उन्होंने मुझसे पूछा था तो मैंने उनको सब सच सच बता दिया। लेकिन कहीं बात का पतंगड़ तो नहीं बन रहा? बात होती है तो पतंगड़ बनता है भैया। क्या चाहती हो तुम? हाँ, तुम कुछ भी करो, कोई भी गलती करो, तुम्हें कोई कुछ ना कहे। हाँ नहीं, देखो तुमने जो गलती की है ना, सजा तो बनती है उसकी। अगर मेरी जगह कोई और होता ना, और उसे मेरी तरह गुस्सा आ जाता, तो रात के इस पहर तुम्हें रोड पर छोड़ भी सकता था। नहीं नहीं नहीं, वो गलत फहमी है ये आपको, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो बस यहाँ ये शादी अटेंड करने आई हूँ, और दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इस शादी के बाद इस घर का रुख भी नहीं करूंगी कभी, मुझे शादी खत्म हो जाए। और वैसे भी सुबह से मेरे कपड़े धो धो के और इस्त्री कर करके ना बाजू में दर्द हो गई है। आप दो दिन के मेहमान के साथ ऐसा तो मत करें। मैंने कब कहा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? हाँ, मैंने तो बस ये बोला है कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो ऐसा कर सकता था। माफी दे रहा हूँ, लेकिन आखिरी दफा। तुम्हारा ऐसा कभी नहीं होगा, वादा, पक्का वादा। ठीक है, पर मेरी माफी का नाजायज फायदा मत उठाना, समझी? मगर बहुत शुक्रिया कि आप उसको अपने साथ लेकर आए। अरे शुक्रिया किस बात का आंटी, मेहमानों की जगह तो सर आंखों पे होती है। नहीं शर्मिंदा मत कीजिए। शुक्रिया, जीते रहो। वो चाहते हैं तुम्हें दिया, क्यों हर बात में तुम किसी चीज की जरूरत नहीं तो बताइए। जी शुक्रिया, थैंक यू। हर बात में परेशान क्यों होती हो? इस तरह जिंदगी नहीं गुजारी जाती, हिम्मत करनी होती है ना। मुझे नहीं पता अम्मी, आप मुझे क्यों अकेला छोड़ के आई, मैं इतनी खौफजदा हो गई। आपने अंदर से ऐसा किया ना, मैं आपसे बात नहीं करती। सॉरी, अब अपना मूड अच्छा करो। सब पूछ रहे हो, इतनी प्यारी लग रही हो। चलो सब पूछ रहे हैं, बिया कहाँ है, बिया कहाँ है। चलो अच्छी आई है ना, है ना? अच्छा रुको, मैं भी आती हूँ।
रिया जी, तुम रात में आई क्यों नहीं मिलने मुझसे? वो मम्मी ने इजाजत ही नहीं दी, उन्होंने कहा कि इतनी आधी रात को किसी से नहीं मिलते। एक तो ये आंटी भी ना बहुत ही ओल्ड फैशन है, आजकल कहाँ होता है ऐसा। अच्छा आप ये बताएं, आपने बुलाया क्यों था? देखो बात बहुत इम्पोर्टेंट है, बट इट्स अ सरप्राइज फॉर यू, सो अभी नहीं बताऊंगा। है क्या सरप्राइज? बस ये कंदील की रुखसती हो जाए, उसके बाद सुकून से रात में बैठेंगे और सारी बात तुम्हें बता दूंगा। ठीक है? ठीक है, पक्का बताएंगे? पक्का प्रॉमिस। मैं जाऊं? जा। हाँ मैम, एक सेकेंड आती हूँ। क्या बातें हो रही थी बिया से? कब? अभी। क्या हो गया तुम्हें? होगा ऐसी बातें क्यों कर रही हो? देख कुछ बातें आप समझा नहीं पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो नहीं रहा। खुदा ये कोई वक्त है ये इतनी मोटी मोटी फिलॉसफी झाड़ने का? प्लीज मुझे ये बातें समझ में नहीं आती, क्या कहना चाह रही हो? मैं तुम्हें ये समझाना चाह रही हूँ कि तुम्हारी और बिया की दोस्ती कुछ ज्यादा ही नहीं हो रही। खुदा बिया मेरी कजन है, मेहमान है हमारे यहाँ पर, बेचारी यहाँ पर खड़ी होकर अगर कोई बात कर रही थी मुझसे, इसमें इतना माइंड करने की क्या जरूरत है तुम्हें? तुम उसे कजन समझते हो, लेकिन अगर वो तुम्हें कजन ना समझे और कोई और जज्बात रखे तुम्हारे लिए फिर? I don't care about that. ना तो मैंने उससे कोई ऐसी बात की है, ना ही वो ऐसे समझे। और out of all the people, तुम ये क्यों कह रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो मेरा तुम्हारे अलावा किसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिया का तुमसे क्या मुकाबला होगा? क्योंकि नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं तुम्हारे साथ किसी और, तुम्हारे और मेरे बीच में दूसरा कोई भी आए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, नहीं अच्छा लगता मुझे। अच्छा बाबा, I'm sorry, I'm really sorry. देखो, I was just trying to cater her. तुम जानती हो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे अलावा किसी के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। प्लीज कंदील के ससुराल वाले भी देख रहे हैं, चलो मूड अच्छा करो। लगना तो एक छोटा सा इजहार है, अली को तुमसे मोहब्बत हो गई है। नजरें मिलाकर झुकाना पसंद है, जब आंखों से नाम लेती हो मेरा। अच्छा मुझे इस तरह से तो फिर सबके सामने हाथ क्यों नहीं पकड़ लेते? किसी से डरते हैं? वली किसी से नहीं डरता, किसी से भी नहीं। मुझे तुम अभी भी पसंद हो, मुझे तुम अभी भी पसंद हो।
मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। क्या मतलब घर छोड़कर जा रही हो तुम? मतलब ये कि आज के बाद मैं अपने घर में रहूंगी। यानी तुम वली के चक्कर में अपनी माँ को भूल रही? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आपने बात बात पे वली का साथ दिया। नहीं नहीं नहीं, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे बगैर इस घर में अकेले नहीं रह सकती, मत जाओ मुझे छोड़कर। आप अकेले कहाँ हैं मम्मी? आपका वो चहेता वली है ना आपके साथ, और मैं भी कभी कभी मिलने आ जाया करूंगी आपसे, लेकिन थोड़े अकेलेपन की आदत आपको डालनी पड़ेगी। बेगम साहिबा, एनी बीबी, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, एनी बीबी, एनी बीबी, कौन चली गई? बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, आंखें खोले। सलाम अलैकुम, मैं मुझे दो मिनट माँ से बात कर रही हूँ। माँ आइए। वली मैं, वली मैं। आइए तो सही। वली, बेटा, मैं बात कर रही थी। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है माँ। ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो तुम फंक्शन के बाद नहीं कर सकते, अभी करनी जरूरी है? दिल की बात है। दिल की बात? समझी नहीं माँ। वो पता नहीं मुझे माँ, मैं कुछ दिनों से आपको बताना चाह रहा था कि मैं अभी। वली बताओ ना। वली, मैं इतनी रात को क्यों फोन कर रही है? हेलो, हेलो वली साहब, क्या हुआ? वली साहब आप जल्दी से आ जाए, बेगम साहब अपने कमरे में बेहोश है। आ रहा हूँ। वली, वली बासु, वली कहाँ है? वली कहाँ जा रहे हो? वली कहाँ है? कहाँ? ये शुगर हाई होने की वजह से बीपी शूट कर गया था, और मेरा ख्याल कोई टेंशन जिन्होंने ली है। बहरहाल मैंने सुकून का इंजेक्शन उनको दे दिया, कुछ देर में ही बेहतर हो जाएंगे। और ये कुछ मैंने मेडिसिन की है, ये मंगवा लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और यू कैन कॉल मी एनी टाइम अगर आपको ज़रूरत हो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बस टेंशन ज़रा नहीं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। एक मिनट दीजिएगा बस। भाभी बेगम, वली कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा कहीं। अकबर हुसैन अभी थोड़ी देर पहले तो यही था, बस दो मिनट का कह के गया है। अरे बुलाए ना भाभी हुसैन, रुखसती का वक्त आ गया। हाँ मैं कॉल कर रही थी, फिर से करती हूँ, उठाया नहीं उसने। हेलो वली, कहाँ हो तुम बेटा? रुखसती का वक्त हो गया, चाचा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, देर हो रही है ना, जल्दी आओ। अच्छा ठीक है, कह देती हूँ। क्या क्या कह रहा है? कह रहे कोई इमरजेंसी आ गई है, उसे देर हो जाएगी, इंतजार ना करें उसको। लापरवाही की भी हद होती है, घर वालों को छोड़ के दूसरों के काम कर रहे हो। अब बताए मैं कंदील के ससुराल वालों को क्या जवाब दूंगा? अकबर हुसैन, उसकी कोई मजबूरी होगी, जब ही तो उसने ये बात कही, वरना मैं ऐसा क्यों करता? भाभी बेगम, मैं तो समझ लूंगा, मगर दूसरों की जुबान कौन रोकेगा? हद करता है ये लड़का।
पानी दूं आपको? नहीं, एनी कहाँ है? पता नहीं साहब, एनी बीबी घर पे मौजूद नहीं थी जब मैं आई। बेगम साहबा यहाँ गिरी हुई थी। एनी बीबी को मैंने फोन किया तो उन्होंने उठाया नहीं, तो इसीलिए मजबूरन मुझे आपको कॉल करनी पड़ी। ठीक है, चौकीदार को ये दवाइयां ले। जी साहब। हाँ इमाम, एनी कब निकली है घर से? नशा करके सो रहे थे क्या तुम? घर से नहीं निकली तो मैं तो देखता हूं। मैं लेकिन बेटा तुम क्यों चले आए? ये कौन सी नई बात है? बेहोश होके गिरी थी आप मां, वो तो हाजरा ने मुझे वक्त पे फोन कर दिया, वरना वहीं पड़ी रहती आप। हाजरा की तो आदत है बात का पतंगड़ बनाने की। शुगर हाई होने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था मां, जानती हैं डॉक्टर ने क्या कहा है? अगर आपने एहतियात ना की ना तो खुदा ना खास्ता खतरे की बात हो सकती है। मैंने बोल दिया है हाजरा को, रात को आपके पास रुकेगी। नहीं बली बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। मैं फैसला कर चुका हूं मां। और ये एनी कहां है? सबसे पूछा है वो कह रहे हैं घर से बाहर भी नहीं गई, ना कहीं नजर आ रही है, फोन कर रहा हूं तो फोन भी नहीं उठा रही। हाँ वो एनी बहुत अपसेट थी बेटा, वो खाना भी नहीं खा रही थी, तो मैंने उसे उसके फ्रेंड्स के साथ नॉर्थन एरियाज भेज दिया। क्यों? देखो बेटा, एनी को घर में बंद रखना मसले का हल नहीं है। वो बचपन से बहुत जिद्दी है। सॉरी बेटा, मैंने तुम्हारी इजाजत के बगैर उसे टूर पर भेज दिया। आखिर माँ होने के नाते इतना सा फैसला लेने का इख्तियार तो है ना मुझे। यकीनन है आपके पास इख्तियार माँ, किसने रोका है, किसने मना किया है आपको? लेकिन एनी पे नजर रखना भी तो जरूरी है ना।
हाँ लेकिन तुम परेशान मत हो, तुम देखना वो घूम फिर कर जब वापस आएगी ना तो उसके सर से मॉडलिंग का भूत उतर चुका होगा। बेटा मेरे ख्याल में तुम्हें भी अब वापस जाना चाहिए, तुम्हारे घर में शादी चल रही है और तुम यहाँ आ गए, उन्हें बुरा लगेगा। नहीं माने, किसी को अच्छा लगता है या बुरा लगता है इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। इस वक्त मेरी माँ को मेरी जरूरत है, मुझे यहाँ खड़े होना है। देखो वली बेटा, मेरी वजह से तुमने पहले ही बहुत बहुत मुश्किलें उठाई हैं, तकलीफें उठाई हैं, लेकिन अब नहीं, तुम वापस जाओ, मैं ठीक हूँ बेटा। जा रही हो तुम? मेरे बच्चे को अकेला छोड़कर कहाँ मौज मस्तियां कर रही थी? तो तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने करियर पर तवज्जो ना दूं और सारा वक्त तुम्हारा बच्चा संभालती रहूं? तुम्हें तुम्हारा करियर इतना अजीज है और मेरा बच्चा बिल्कुल नहीं। यही समझ लो, अब मैं अपनी ख्वाहिशात पर समझौता नहीं करूंगी। इस पर तुम इस शादी को मेरे लिए सजा मत बनाओ। अच्छा ठीक, तो फिर मैं भी यहां से जा रहा हूं अपने बच्चे को लेकर, और तुम अपने कैरियर पर फोकस करो। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मेरी औलाद तुम्हारी गोद में पले। कल आपके पेपर तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएंगे। भैया
ये ढूंढ रही हो ना? जी दानियल भाई, यही तो ढूंढ रही थी मैं। आपके पास है मेरा फोन, कब से मैं ढूंढ रही हूँ। हाँ ले लो, फोन तुम्हें मिलेगा, लेकिन एक शर्त पे। वो क्या शर्त? ये, मैं तुम्हें तुम्हारा फोन दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे अपना थोड़ा सा वक्त दे दो और थोड़ा सा प्यार, बस। ये कैसा मजाक है दानियल भाई, मुझे फोन देने में? मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं भैया, सच कह रहा हूँ। पता नहीं क्या हो गया, मुझे अच्छी लगने लगी हो तुम। तुम्हारा हुस्न ही ऐसा है कि कोई भी शख्स चाहेगा तुम्हारे साथ वक्त गुजारे। दानियल भाई, आप क्या फजूल बातें कर रहे हैं? मैं आपसे कह रही हूँ, मैं आपको भाई समझती। अरे ये पुरानी बातें कर रही हो तुम। तुम मुझे भाई समझती थी, इस बात को भूल जाओ। अब हमारा एक नया रिश्ता बनने वाला है भैया, और ट्रस्ट मी, मैं इसके बारे में किसी से जिक्र नहीं करूंगा। दानियल भाई, आप मेरे भाइयों की तरह, और आपकी हुदा से शादी होने वाली है। हुदा को बीच में क्यों लेके आ रही हो भैया? देखो, हुदा से मेरी शादी होना एक सेपरेट इशू है, और तुम्हारा मेरा ये जो नया रिश्ता बनने वाला है ना, ये सेपरेट है, इनको मिक्स नहीं करेंगे। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो। पैसे चाहिए ना तुम्हें? जितने पैसे चाहिए होंगे सब दूंगा मैं, जितनी शॉपिंग करनी होगी सब करना, लेकिन बस मेरी भी बात मान लो ना प्लीज। आप हटे यहाँ से। नहीं हटूंगा तो क्या कर? मेरा हाथ छोड़े दानियल भाई, छोड़े। इसकी क्या जरूरत थी भैया, ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें। आपको दूसरा थप्पड़ भी पड़ सकता है। मेरा फोन दे और मेरे रास्ते से हटे। कोई मसला हो तो डॉक्टर को फोन कर लेना, माँ के खाने पीने का ख्याल रखना, माँ का ख्याल। उनसे प्यार से कह रहा हूँ, बात मान लो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुन ही नहीं रही हो तुम, क्या कर लो? थोड़ी देर तक फोन करता हूँ। मैं शोर मचा के सबको यहाँ बुला लूंगी और आपकी असलियत बताऊंगी सबको। शोर करोगी तुम? करो शोर, छोड़। बताओ तुम्हारी सुनेगा कौन? सुनेगा कौन तुम्हारी? यहाँ पर नहीं आई तो सब मेरी बात मानेंगे भैया, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज छोड़े मुझे, प्लीज मेरी बात मान लो भैया, इट्स अ रिक्वेस्ट। ये सब क्या हो रहा है? वली, वली, वली मुझे बचाए। वली, शुक्र है यार, शुक्र है तुम यहाँ पर आ गए, बहुत अच्छा हुआ वक्त पर आ गए। कितने दिनों से मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मुझसे मिले, मुझे जरूरी बात करनी है, और आज मैं मिलने आया तो पता है क्या? दानियल भाई, आप ये क्या बोल रहे हैं? आपने मुझे यहाँ बुलाया था, मैंने आपको नहीं बुलाया। क्या बकवास कर रही हो तुम भैया? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे इतना खौफनाक चेहरा छुपा हुआ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भैया को आग लगाने की? आग कैसे लगाया तुमने भैया को? इस घटिया लड़की के लिए तुमने अपने भाई पे हाथ उठाया? घटिया कोने की जरूरत थी तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भैया को हाथ लगाने की? मैं जान ले लूंगा। हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत से भाड़ा चला यार, अनिल यार, छोड़ यार, छोड़ भैया को। हाथ कैसे लगाया तूने? क्या हो रहा है ये सब? तुम यहां क्या कर रही हो? अच्छा कि आप खुद आ गए चाचा। पूछिए अपने बेटे से, जो रात के अंधेरे में खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला रहा था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूं मैं। पता है क्या बेशर्मी की है इसने? बिया को रात के इस वक्त कमरे में बुला के झूठ बोल रहा है ये। मैंने बिया को कब बुलाया था? बिया को तो इसने बुलाया था, वो तो मैं ऊपर से आ गया, तो ये मेरे साथ ये गुत्ता गुत्ता हो गया। मैं ये कर रहा था सब कुछ बिया के साथ, बिया की इज्जत खतरे में थी। झूठ, बकवास बंद करो अपनी। बिया की इज्जत पे हाथ डाला है तुमने। मैंने? ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा है बाबा। मैं बाबा झूठ ये बोल रहा है? ये बहुत दिनों से बिया पर नजर रखे बैठा हुआ था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इसको बिया के साथ। बाबा अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता ना, तो ये बदजात आज हमारे खानदान की इज्जत खाक में मिला देता। झूठा, झूठ बोल रहा है तू।
मैंने अपनी आंखों से देखा है। चाचा मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसने बिया अपना इल्जाम मेरे सर पर डाल रहा है। चाचा बता रहा हूं मैं आपको। झूठ? कितना झूठे हो तुम बली। बाबा चोर भी कभी चोरी करके माना है कि उसने चोरी की है, और ये तो इतना ढीठ है, मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ा लेकिन इसकी डिटाई देखें। बाबा आप तो जानते हैं पहले ये बाहर मुंह काला करता था, आज इसने घर के अंदर ही नकाब डाल दिया। बाबा इसने किया निया के साथ सब। तेरी जान ले लूंगा, बस जान ले लूंगा। बोली हट से मेरा, कोई नहीं बोलेगा आप। बिया तुम बोलो। हो मुझे तुम अभी भी पसंद।